व्हाट्सअप कब आए यहाँ पर? चाय ऑर्डर किया था, चाय भी आ चुकी है। तुमको वीडियो में आना है क्या? नहीं, आ चुके हो तुम? नहीं, आ गए। कंप्यूटर जी स्क्रीन पे दिखाओ कि कितना किलोमीटर अब तक हमने चलाया है। हेलो नमस्कार, का बोला मेरे अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएसके। शफीक, ए शफीक, चला नाटक मत कर यार। एमएसके सुबह के बज रहे हैं 5:10, 4 बजे इसने बेल बजा दिया। व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग। 4 बजे ही मेरे को नींद लगी थी, गिन के मैंने आधे घंटे की नींद ली होगी और आधे घंटे की नींद में ही आज की हमारी जर्नी कम्प्लीट करनी है। मैंने तो काफी राइड की हुई है, मेरे को राइड का एक्सपीरियंस है, लेकिन आर्या जो है इसका ये पहला बड़ा राइड होगा, तो काफी कुछ सीखेगा और काफी कुछ सिखाना है। इसका जैकेट जो है और पैंट यहाँ पर हमने रख दिया था रात को ही। हाइड्रेशन बैग इधर रखा हुआ है। हाइड्रेशन बैग में होता है पानी, चलते चलते पानी पीते रहना चाहिए, राइड पे स्पेशली बहुत जरूरी होता है क्योंकि पानी के लिए बार बार रुक नहीं सकते और हाइड्रेशन बैग बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। जब से मैंने यूज करना चालू किया है तब से थोड़ी स्पीड बढ़ गई है, थोड़ा ज्यादा हम राइड कर सकते हैं। और हाइड्रेशन बैग में एक चीज और होनी चाहिए, वो प्रोटीन बार्स, कुकी कह सकते हैं, कुछ भी रख सकते हो एनर्जी के लिए। हमारे पास माय प्रोटीन के हैं। गौरव जी हिलने की जगह नहीं है यार, उसमें भी ये उठ नहीं रहे। उठ जा। ये कुछ प्रोटीन बार्स हैं। तुमको चॉकलेट पसंद है? ये 1, 2, 3, 4 ये तुम्हारे बैग में रख, ये मुझे पसंद है, ये मैं अपने बैग में रख दूंगा। ये है मेरा हाइड्रेशन बैग। जब राइड करते हैं ना तो ज्यादा मेरे को खाने का दिल करता नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाना होता है, इसके लिए ये प्रोटीन बार बेस्ट है। तो हमारे साथ और एक राइडर ज्वाइन करेंगे हमें, तो उनके लिए भी कुछ हम ले लेते हैं, ये सब उनको भी दे देंगे। तो फुल ऑन राइड की तैयारी। हमारा नया टॉप बॉक्स, हालांकि पुराना है, राम मार के नया कर दिया है। काफी वेट हो गया ये। हट जा दोस्त, हट जा, एक्सीडेंट हो जाएगा, हट जा। फुल ऑन नया। शफीक थोड़ा इसको नीचे लाने में हेल्प कर देना। एक और चीज, ये बंदे ने, हमारे न्यू राइडर ने जो बैग लाया है वो बैग दिखा थोड़ा। ये जो है इसमें कपड़े हैं, इसको बाइक पे कपड़े और नाश्ता। अरे गुज्जू, गुज्जू बॉय, तो उसको सेट करना है बाइक के पीछे, वो भी टिमोन पे। मैंने इनको कहा था कि रक्षक बैग होता है, रक्षक बैग थोड़ा सा लंबा होता है तो वो थोड़ा इजीली हो जाएगा, लेकिन अभी इसको ना मतलब इसका मोटापा कम करके थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। जिंदगी हमने जुगाड़ पे जी है तो ये भी कर ही लेंगे। अभी भी ना घर का काम बहुत बचा है, यूं समझ लो कि 60% काम हो चुका है, 40% काम बचा है। तो ये हमारा हीरो, टेंशन ना ले, और हो जाएगा। गौरव जी दोनों मिलकर अभी कंप्लीट करेंगे, पूरा गाइड इनको कर दिया है, सब लिखवा दिया कि क्या क्या काम करना है, क्या क्या नहीं करना है। टेंशन ना ले। शफीक हेलो, टेंशन नहीं, क्या हुआ? दो बंजी कॉर्ड दे दो मेरे को पहले, वो मेरे वाले दे दो, मेरे वाले। वाह क्या मैनेजमेंट है, उछड़ मुछड़ करके रख दिया है यार, ये राइड का हीरो है यार। यार हमारा बैक सपोर्ट बन जाएगा यहाँ पर, अपने जुगाड़ू स्किल से इसको हमने सेट तो कर दिया है, बट ये राइड करेगा ना थोड़ा सा राइड करेगा तो समझ में आएगा कि इसमें कुछ चेंजेस करना है कि नहीं करना है, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि परफेक्ट है। दो बंजी कॉर्ड में काम हो गया। नया दोस्त देख ले तुमने कैसे करते हैं, नेक्स्ट टाइम से कर लोगे? 50% कर लूंगा, 30% कर लूंगा। ठीक है ठीक है, डन। डाने जी अब निकलते हैं, पसीने छूट गए। निकलते 5:40 हो गए। राइडर नंबर 2 रेडी? ये क्यों लटक रहा है वहाँ पर? क्या? ये पीछे रखते तुम इसको? तो कैसे रखूँ, इसमें है नहीं। तो ये तुम्हारा हाइड्रेशन बैग नहीं है ना, नॉर्मल बैग है, तुमने उसको हाइड्रेशन बैग बनाया। लादे दे, बंद कर दे इसको, भूल जाऊंगा मैं। चलो ख्याल रखो अपना, मिलेंगे वापस इंशाल्लाह। करो जी ख्याल रखो। हाँ भाई देखो फुल रेडी है। क्या बोला? हाँ दुआ पढ़ेंगे। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, लेट ना होके भी हम लेट हो चुके हैं। चढ़ने हाँ, यस यस यस, यू कैन डू इट ब्रो। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। अरे चाबी किधर गया? चाबी फंसा हुआ है जिंदगी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है मुंबई, सुबह सुबह का वक्त, मुंबई का मौसम बदल चुका है, एकदम गुलाबी ठंड है यहाँ पर। अभी के टाइम बोल रहा हूँ मैं, 6:45 हो रहे हैं, 5:45। बहुत कम ऐसे मौसम देखने को मिलते हैं मुंबई में। आज है संडे, संडे होने की वजह से ट्रैफिक मिलती नहीं है, और ये टाइम पे तो मतलब यूजुअली भी नहीं मिलती है। जब सिटी में ट्रैफिक नहीं मिलती है ना तो दिल बहुत खुश होता है, मजा आता है। अभी क्या है, छोटी सी एक दिक्कत हो रही है मुझे, जो मेरा राइडिंग पैंट है वो अभी नया है, तो उसका जो नी गार्ड है वो भी मैंने एडजस्ट नहीं किया है। नी गार्ड को एडजस्ट करना है, क्योंकि नी गार्ड मतलब ऐसे सेंटर पे आ गया है, जो खांचे पे उसको होना चाहिए वो खांचे पे नहीं है, खचाखच वो अपने घुटनों में लग रहा है, हिप के पास कुछ तो ऐसे टाइट सा लग रहा है। ये भी हो जाएगा सेट कुछ टाइम में। ये जैकेट पे एक राइड ऑलरेडी हो चुका है, तो जैकेट को लेके कोई दिक्कत नहीं है। यही होता है कि जो राइडिंग जैकेट होता है ना उनको थोड़ा एक दो राइड पहनेंगे ना उसके बाद जाके थोड़ा कंफर्टेबल होता है, आपके बॉडी से चिपकता है। जैसे नया रिलेशन जब शुरू होता है तो कैसे होता है,
होता है वैसे ही सेम समझ लो। बाकी तो बढ़िया है, टाइगर है, टिमोन है, दोनों बाइक है हमारे साथ। वैसे टिमोन जाती है लंबे लंबे राइड को, लेकिन आज हमें पता चल जाएगा कि टिमोन की कैपेसिटी क्या है आज, मतलब ये ट्रिप पे। यार सुबह सुबह का वक्त है ना, नींद ठीक से खुली नहीं है, क्या बोल रहा हूँ मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हमें जाके मिलना है हमारे तीसरे राइडर से, वो ऑलरेडी तैयार है। उनको वक्त दिया गया था कि मैं 5 बजे घर से निकलूंगा, निकलते निकलते 40 मिनट्स लेट हो चुके हैं। व्हाट्सअप कब आए यहाँ पर? अरे हांडी जी नमस्ते, कैसे हैं आप? दोनों सेम ही दिखते हैं। ऑलराइट, तो हमारे तीसरे राइडर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आप इनसे मिल चुके हैं? इनका नाम है प्रतीक्षा, रेसर शिक, अलीबाग वाले राइड में ये हमारे साथ थे। अच्छे से मिलाएंगे आपको, थोड़ा सा दिन हो जाने दीजिए, सूरज उग चुका है, मतलब सनराइज हो चुका है। सब लोगों को अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरानी है। अभी हमारा जो टारगेट है, मकसद है, सबसे पहला मकसद वो ये है कि जो वसई क्रीक है उसको क्रॉस कर ले, क्योंकि वहां पर चल रहा है कुछ काम जो कि न्यूज में भी आया था। वो एक बार क्रॉस हो जाएगा तो शांति मिलेगी, और उसी शांति के साथ फिर पेट्रोल भराएंगे और कहीं पर रुककर चाय पियेंगे जिससे नींद खुले। अभी भी नींद में ही हूं मैं। पहुंच गए वसई क्रीक के पास। मैंने जो सुना था वो ये था कि यहाँ हैवी व्हीकल अलाव नहीं है। यहाँ पर तो सारे हैवी व्हीकल है। मेरे ख्याल से हैवी व्हीकल्स के लिए कुछ टाइमिंग होगा कि इतने टाइम तक ही वो जा सकते हैं, पता नहीं। अगर किसी को ये जो रूल है इसके बारे में पता है तो कमेंट डाउन बिलो। धीमे क्या बात है, बड़ा कूल है मौसम आज है। इधर आ जाएगी, फुल करना है जी, फुल। चलिए जी बोनी कर दीजिए। क्या मस्त लग रहा है ये। ओके ओके, आराम से आराम से आराम से बाहर फेंकेगा वो, बस कर दीजिए, बात कर, फुल हो गया। 1498 ऑलमोस्ट समझ लो 1500 का पेट्रोल, बाप रे बाप। ओके भाई पहला ब्रेक। हाँ भाई क्या हाल चाल? मजा मा वो हो जाएगा थोड़ा टाइम में। नी गार्ड प्रॉपर लगा है? इधर थोड़ा सा पेन हो रहा है क्या? राइड हो चुकी है अब तक 47 किलोमीटर। क्या बात, 47 किलोमीटर की राइड, पहला ब्रेक। चाय ऑर्डर किया था, चाय भी आ चुकी है। तुमको वीडियो में आना है क्या? नहीं नहीं, आ चुके हो तुम? नहीं नहीं, आ गए। ले लिया। चाय आ चुकी है, ये चाय ये इसकी और मेरी चाय है। लेकिन ये मैडम विदाउट शुगर, मैडम ने शुगर एकदम कट कर दी है, विदाउट शुगर चाय। ये सही है, कितने 2 महीने से बताओ। चाय की चुस्की भाई तूने तो ले लिया है। चेयर्स ब्रो, राइड का पहला राइड, पहला स्टॉप, सब कुछ पहला। तो ऐसे ऐसे चीयर्स चीयर्स आराम से आराम में। ये इधर ही गिरेगा रे, इधर ही गिरेगा। वाह मजा आएगा, चाय अच्छी बनाया इसने। कैसी लगी? अच्छी है। इनसे मिलो, रेसर चिक प्रतीक्षा। हम लोगों ने ऐसे छोटे मोटे राइड किए हैं, बड़े राइड के लिए ये पहली बार आई है, और इसने काफी ऐसे लंबे लंबे राइड्स किए हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ, सिंगापुर। तुमने भी तो किया है। तो इन्होंने रॉयल इनफील्ड लिया है, हिमालयन, एक टाइगर है और एक्सपल्स 200। मजा है। और आज संडे है ना, रास्ते में इतने सारे सुपर बाइक्स दिख रहे हैं, मजा आ रहा है यार, पुराने दिन याद आ गए। तो सुपर बाइक्स लेके जाते थे हम लोग, मॉर्निंग की राइड होती थी, मजा आता था। नहीं नहीं, चाय वाय पी के फिर निकलेंगे। इसको करेंगे थोड़ा नीचे क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ऊपर है इतना। तो नी गार्ड जो है ना वो सही जगह पे होना जरूरी है, अगर वो नहीं होगा ना तो राइड में पूरा इरिटेट करेगा। अभी जितना राइड किया था इरिटेट कर रहा था, अभी ठीक कर दूंगा तो नहीं होगा। और डने जी, चलो फिर शुरू करें अभी राइड। 100 किलोमीटर बाद रुकेंगे, बॉर्डर क्रॉस करके सीधा गुजरात में रुकेंगे, मेरा होमलैंड। ये तेरा जो पाइप है ना रे, रुक जा, तेरे पाइप को ना, ये मैंने इधर रखा था, उधर से नहीं आएगा वो, तेरा इधर से आ रहा है। यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, इसको सामने ही रख। कर रहा हूँ दोस्त, तुम दोनों के पाइप लटक रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक घुमा दिया हूँ मैंने। डफल बैग कौन सा? अच्छा ये भी चीता है ना, फर्स्ट टाइम जो भी राइड करता है ना उसके साथ ये होता ही है, वो ऐसे अलता बलता बैग लेके आ जाता है, 2-3 राइड करता तो फिर उसको समझ में आता है। चलिए जी वो बाइल भी लगा देते हैं। क्या से क्या हो गया तेरे प्यार में। बजाओ, राइड शुरू होने से पहले शंख बजा दिया गया है, इंशाल्लाह कर मदद। चलो ओके, सूरज ऊपर आ चुका है, अभी टाइम हो रहा है 7:40।
बस 3-4 घंटा और उसके बाद लगने लगेगा धूप, और जो सुबह सुबह गुलाबी ठंड थी वो जाते हुए महसूस हो रही है। तो अभी का छोटा सा प्लान ये है कि हम 100 किलोमीटर बाद दूसरा ब्रेक लेंगे, तब तक देखेंगे कि कुछ राइडिंग गियर्स हमें दिक्कत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ग्लव्स दिक्कत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ग्लव्स मेरा नहीं मतलब आर्या का। आज हम जा रहे हैं अहमदाबाद, अहमदाबाद मेन डेस्टिनेशन नहीं है, हमारा जो मेन डेस्टिनेशन है वो और 2 दिन बाद आएगा, तब तक आप गेस कर सकते हैं, लेकिन काफी लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। दिवाली स्पेशल राइड है तो गेस तो कर ही लोगे। इतने सारे ट्रक क्या कर रहे हैं यहाँ पर सुबह सुबह? रात को ट्रक वाले मिलते हैं समझ में आता है, ठीक है देखा है हमने जिंदगी में कि ट्रक वाले होते हैं, सुबह सुबह इतने सारे ट्रक, इतना अच्छा एवरेज स्पीड मैंने मेंटेन किया था यार, सारे का सारा इन्होंने खराब कर दिया। मे भी शायद ऐसा होता होगा कि संडे को ज्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते इसलिए ट्रक वाले निकल जाते हैं। इतने ट्रक्स ये रोड पे मेरे को कभी नहीं दिखे, मे भी इसका कनेक्शन वहां से हो सकता है, जो वसई क्रीक है ना, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे क्रॉस करने वाला जो सीन है, मेरे को आई डाउट। अब क्या ऐसे जो, अरे वाह ये देखो ये ट्रक देखो, अरे अरे रे फंस गए, और प्रतीक्षा शायद आगे निकल गई है वो, क्योंकि इसमें दिख भी नहीं रहा है कि राइडर किधर है, हमारा आगे है कि पीछे है, ना मिरर में दिख रहा है ना इसे सामने देख सकते हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है इसे तो यार राइड करने में, मजा खराब कर रहे हैं। यहाँ से 428 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद, जब हाईवे पे निकलते ना तो ये सब चीजें आम बात है, मतलब मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि बताना पड़ेगा ना जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड व्लॉग है कि नहीं। क्या ब्रेकर लगाया है तो ये महाराष्ट्र गुजरात टोल प्लाजा है, तो जितनी भी कमर्शियल गाड़ी आती है उनको वहां से जाना पड़ता है, और जो नॉन कमर्शियल होती है जैसे वाइट नंबर प्लेट, यहां से जहां से अभी हम आए अटक गया। हाँ कंप्यूटर जी स्क्रीन पे दिखाओ कि कितना किलोमीटर अब तक हमने चलाया है। 171। तो पहला जो ब्रेक लिया गया था वो था 47 किलोमीटर के बाद, अभी जो ब्रेक लिया है वो 171। तो हिसाब लगा लो 100 किलोमीटर बाद हमने अपनी स्पीड स्लो कर दी, लेफ्ट साइड में ऐसे चले जा रहे हैं, कोई अच्छी जगह दिखी नहीं, सब इंडस्ट्रियल एरिया था। थोड़ा आगे आके एक जगह मुझे मिली है और वो जगह आप लोग वाकिफ होंगे, अभी मैं बताता हूँ। पहले ये जो ब्रेक लिया गया रेड बुल ब्रेक है, क्या आधा घंटा ही सोया हूँ सिर्फ, थोड़ा नींद भगानी है, मुंह पे पानी मार के आया हूँ। कैसे हो, पहचान लिया मेरे को? एक रेड बुल दे दो ना दोस्त। ये हम रेड बुल ले रहे हैं, ये लड़की यहाँ पर छाछ ले रही है, इसको पूरा एकदम नो शुगर नो कार्ब नथिंग, फुल ऑन डाइट पे। नहीं बढ़िया अच्छा होता है। हाँ हाँ अच्छा तो होता है, ले दोस्त। ये है होटल एपिकल, यहाँ पर जब मैं और सत्या लद्दाख के लिए निकले थे, पहले दिल्ली के लिए निकले थे तो 4 दिन में पहुंचे थे, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टॉप लिया गया था, जो कि मतलब यू समझ लो 171 किलोमीटर था मेरे घर से। तो 171 किलोमीटर बाद हम लोग रुक गए थे रात को यहाँ पर, बताओ। और अभी हम लोग अभी कितना बज रहे होंगे, 10 बज रहे, पहले कितना स्लो थे हम लोग। यहाँ पर आते ही वाईफाई का पासवर्ड कनेक्ट हो गया, लोग पहचाने लग गए। लंबा राइड पहली बार हुआ है ना, मैंने 270 किया एक दिन में, वो भी सीटी 100 प्लस 100 सीसी की बाइक पे। इसी बात पे लो भाई, नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा, नहीं मेरा एक्सपीरियंस हो गया गोवा में, आप चलो आराम से करो। चेस लड़की चेस, नाखून देखो इसके, नोच खाई है। ₹20 लाख की 20 लाख।